कन्नौज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरसहायगंज में गांधी जयंती मनाई। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय मिश्रा सहित दर्जनों कांग्रेसियों ने गुरसहायगंज नगर के मोहल्ला रामगंज में स्थित गोमती देवी इंटर कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई। इसके साथ साथ कांग्रेसियों ने हाथरस में दलित बच्ची के साथ हुई घटना को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया कि हिंदू रीति रिवाज में रात्र में किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल असंवेदनशील हो चुके हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी जी दिल्ली से हाथरस केवल उस परिवार से सादगी से मिलने जा रहे थे, तो तरह तरह के रास्ते में प्रशासन द्वारा उनको रोका गया, पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जबकि ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। एक सांसद जिसे जो है एक प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ इस तरीके से धक्का मुक्की जो की गई, आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ अभद्रता करने वाले अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं हाथरस के जिला अधिकारी व कप्तान को दलित बच्ची के मामले में लीपापोती को लेकर तत्काल मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजने की मांग की है। द पंचौरा न्यूज के लिए गुरसहायगंज कन्नौज से फैज खान की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।